instruction mudra is performed by using both the palm. It should be learned from a guru or experienced teacher to get maximum benefit. आज हम शंख मुद्रा सीखते हैं। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसमें जो हार्ट लाइन, उसके पर अंगूठा रख दीजिए और सभी अंगूठा बाहर नहीं जाना चाहिए, हथेली में रखना है। उंगली को मोड़कर और फिर राइट हैंड के सभी उंगली साथ में रखकर और जो लेफ्ट हैंड का अंगूठे से टच कर लीजिए, सब टिप्स साथ में रहनी चाहिए। शंख मुद्रा, शंख मुद्रा करवानी रीत। डाबा हाथना अंगूठाने जमना हाथनी हथेड़ी में राखी जमना हाथनी चारे आंगड़ियोंथी अंगूठाने दबावीने जमना हाथना अंगूठाना अग्र भागने डाबा हाथनी तर्जनीनी अड़कावो तेमज बाकीनी बधी आंगड़ियों सीधी राखवाथी शंख मुद्रा बने छे। वड़ी हाथ बदलीने पण बीजी रीते शंख मुद्रा करी शकाय छे। हाथनी मुद्रानो आकार शंखनी आकृति जेवो ज थाय छे। शंख मुद्रा करवाथी थता लाभ। आ मुद्राथी थायरोइड ग्रंथिना पॉइंट दबाय छे, तेथी थायरोइड अने तेनाथी थता रोग दूर थाय छे। मणिपुर चक्र के नाभि केन्द्रनी 72,000 नाड़ीनी शुद्धि आ मुद्राथी थाय छे। नाभिनो पॉइंट दबाय छे अने खसेली नाभि मूळ जग्या पर आवे छे। शंख मुद्रा पाचन तंत्र योग्य थता तेनी पाचन क्रिया सुधरे छे। सारी भूख लागे छे। आंतरडानो जूनो मळ दूर थाय छे। वाणी संबंधी कोईपण दोष आ मुद्राथी सुधरे छे। तोतड़ापणू, अटकीने बोलवानू, लकवा पछी बोलवानी तकलीफमां सुधारो थाय छे। अवाज सुमधुर बने छे। तेथी संगीत शीखनारे आ मुद्रा जरूरथी करवी जोईए। वाक चातुर्य अने वाणीनी स्पष्टता आ मुद्राथी वधे छे। माटे वक्ता, प्रोफेसर, शिक्षक अने वकील ने खूबज उपयोगी छे। धूल धुमाड़ानी एलर्जी माटे छे। टॉन्सिल अने गळाना बधा दोष दूर थाय छे। स्नायुमंडल सशक्त बने छे। आंतरडा, पेट अने पेडूना नीचेना भागना दोषो दूर करवा शंख मुद्रा अने अपान मुद्रा बन्ने साथे करवी जोईए। पूजा करती वखते शंख मुद्रानो उपयोग करवामां आवे छे। हस्तशास्त्र प्रमाणे शुक्रना पर्वत ઉપર દબાણ આવે છે। ખાસ નોંધ, યોગ્ય જાણકાર પાસેથી શંખ મુદ્રા શીખીને બરાબર કરવી। આ મુદ્રા બરાબર ન કરવાથી થાઇરોઇડના સ્ત્રાવમાં ગરબડ થઈ શકે છે, જેથી શરીર અશક્ત બને અથવા શરીરનું વજન વધી જાય તો આ મુદ્રા તરત બંધ કરી દેવી। અસ્તુ। હમારા યહ વિડિયો આપકો પસંદ આયા હૈ तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।